मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के 10:30 हुए हैं और आज हॉलीडे है, छुट्टी है आज, तो घर पर ही हूँ। बेटा भी घर पर है, बस अभी कहीं जाने की तैयारी है। कहाँ जा सकती हूँ? घर जा रही हूँ मैं अपने, एक दिन के लिए जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ उसका आपको पता चल जाएगा। तो बस जल्दी में हूँ, थोड़ी सी भैया आने वाले हैं बाइक लेके, बाइक पे जाऊँगा। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन कल बारिश इतनी तेज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, तो हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। मैंने सोचा भैया घर थे तो बोले कि चलो मैं आ रहा हूँ। ये बेटा बैठा है, ये बैग देखा, यहाँ रखा एक बैग, बस यही है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, छोटा ही बैग लिया है। तो चलिए चलते हैं, घर जाकर ही मिलती हूँ मैं आपसे। बाय बाय। के खाओ देबू, के खावे हैं बता, के खावे हैं, के है यो बता, के है हैं बुगले। देखो गिरा दिए सारे, किसने गिराए हैं सारे, किसने गिराए? कौन से भाई ने, कौन से भाई को गिर गिर दिए? नीचे गिर रहे हैं तेरे सारे, उठा ले पुलकित, पुलकित पुलकित दादी जी को दिया सारे। अंधेरा नहीं है, कित रखी वा रखी, किसमें गए गां का दूध पीला पीला दिख है। के मौसम खराब हो चुका है दोबारा से, देखना कितना काले काले बादल हो गए हैं। आज भी ऐसा लग रहा है बारिश होगी। देख लीजिए मेरे घर की गलियां, मेरे मायके की गलियां। चलो नमकीन चावल बनाते हैं। नमकीन चावल, बड़ी भाभी स्कूल गई हुई है, छोटी भाभी पढ़ रही है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, मम्मी बच्चों के पास है। मैंने सोचा चलो मैं ही बना देती हूँ आज, तो मैं ही बनाती हूँ। कुकर रख दिया है यहाँ पर किचन में, ना लाइट छोटी सी है, थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है, इतने अच्छी से रोशनी नहीं है, थोड़ा सा इग्नोर करना इस चीज़ को, माफ़ करना। डाल दिया है ये, हम भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं मायके में भी, और मैं वहाँ पर भी अपने ससुराल में भी मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ। दिखे अब दिखा ना, चलो डाल देते हैं इसमें। जीरा डाल दिया है, ज़्यादा कुछ मसालों का मुझे पता नहीं है कहाँ कहाँ रखे हैं, बस सिंपल से ही बनाऊंगी। प्याज डाल दिए हैं क्योंकि कहीं पे आते हैं तो एकदम से पता नहीं चलता किसी चीज़ का कहाँ पर रखी है। मैं सोचा चलो इतने पूछ के आऊंगी उनसे तो इतने बना ही देती हूँ। उतर जाओ उतर जाओ, प्याज का कलर चेंज हो गया, देखो यम्मी सा कलर हो गया प्याज का। अब आलू डालते हैं इसमें, तो कौन बोल दी बेटा मैं, आलू डाल दिए हैं। टमाटर में नमकीन चावल में कमी यूज करते हैं,
टमाटर नहीं डालती, कभी भी नहीं डालती मैं टमाटर। अच्छा आपकी, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो मत डालो। मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ बस, तो वो भी ग्राइंड वगैरह करके डालती हूँ। टमाटर डालूँगी तो हल्दी डाल दी है, मिर्ची, कम लग रही है मुझे हल्दी, थोड़ी सी और डाल दी है। मिला देते हैं इसको अच्छे से, ये डाल दिया है नमक। इसको पकने देते हैं 3-4 मिनट तक पकने देते हैं, फिर काफ़ी अच्छा कलर, वैसे तो कलर काफ़ी अच्छा आया है लेकिन फिर भी मसाला वगैरह डालने के बाद कम से कम 4-5 मिनट तो पकाना ही चाहिए। मैं तो पकाती हूँ 4-5 मिनट तक। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और जब हम किसी सिंपल तरीके से बनाते हैं ना कोई चीज़ तो इतनी टेस्टी बनती है, आपको भी ट्राई करके देखना। चावल अच्छे से वॉश कर लिए हैं मैंने 4-5 बार पानी में, बस डाल देती हूँ चावल। जितने चावल है ना उसे थोड़ा सा कम पानी डालना होता है तभी अच्छे बनते हैं। मैं कम पानी बोल गई थी, लेकिन जितने चावल हैं ना हमारे उनसे थोड़ा ज़्यादा पानी डालना होता है। बस अब ढक्कन लगा देते हैं इसका और तकरीबन 2 सीटी आने तक पकाएंगे। मैं मेरे कुकर में तो 1 ही सीटी लगवाती हूँ, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर इस कुकर में 2 सीटी लगवानी पड़ती है, मुझे पता है इस चीज़ का। तो बस बन गए हैं नमकीन चावल। अभी चावलों में तड़का लगा के आई हूँ और ये देखिए ये खा रही हूँ मैं। पता है आप सबको ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, बचपन में खाए होंगे किसी ने, इसको बोलते हैं मरमुंडा। देखो बहुत अच्छे लगते हैं, तो यही खा रही थी मैं। खा लो अगर आपको भी खाना है तो, मुझे तो बचपन की याद आ गई इसको देख के। मैं सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ जी। नमकीन चावल खा लो लस्सी के साथ, बन के रेडी हो चुके हैं। भी अजीब सा है न?